आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर से ईडी ने दिल्ली एनसीआर में कुल आम आदमी पार्टी के 12 लोगों के ठिकानों पर रेड की हुई है और इस वक्त हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता के घर पर और यहां पर भी रेड चल रही है। ये गुलमोहर पार्क न्यू दिल्ली है, B4 ब्लॉक है ये। एनडी गुप्ता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके घर पर ये रेड चल रही है। जो जानकारी हमें मिली हुई है दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ ये घोटाला है। पहले CBI ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज की थी, उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से भी मामला दर्ज किया गया था और ईडी CBI के ही मामले को आगे बढ़ा रही है। ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है। ये एनडी गुप्ता का घर है जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। 38 करोड़ रुपये का ये घोटाला है जिसमें आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई महीने में 2023 में ईडी ने दिल्ली NCR केरल चेन्नई में कुल 16 जगहों पर छापेमारी की थी। वहीं जल बोर्ड के अधिकारी NBCC के लोग कुछ निजी संस्थाओं के अधिकारियों पर दिल्ली NCR चेन्नई केरल में की गई थी। आपको बता दें कि टेंडर की प्रक्रिया में गड़बड़ी घोटाला किया गया और अनियमितताएं बढ़ती गईं, फर्जी दस्तावेज बनाए गए जिसको लेकर ACB और CBI ने मामले को जांच के तौर पर लिया था और उसके बाद ईडी ने अब इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है, छापेमारी की है। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल के जो निजी PA हैं वैभव, उनके घर पर भी छापेमारी है। इसके साथ साथ एनडी गुप्ता जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ट्रेजरार हैं आम आदमी पार्टी के नेशनल, उनके यहाँ पे ये छापेमारी की जा रही है। और बताया ये जा रहा है जो दिल्ली जल बोर्ड घोटाला था इसमें DGB के अधिकारियों ने NBCC के अधिकारियों की मिलीभगत से इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फ्लो मीटर की इंस्टॉलेशन किया था। सप्लाई और टेस्टिंग का टेंडर इशू किया गया था। जांच में सामने आया था कि इस कंपनी को टेंडर देते वक्त NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ दिया गया था और उस लाभ को देने के एवज में पैसे लिए गए थे। वहीं टेंडर प्रक्रिया के दौरान NKG इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और उनके जूनियर स्टाफ के साथ मिलीभगत करके करीब 38 करोड़ रुपए की टेंडर हासिल किए हुए थे। अब इस पूरे मामले में जांच की जा रही है जहां पर एनडी गुप्ता के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। कुल 12 जगहों पर ऐसी ईडी की छापेमारी की जा रही है। शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की मुश्किलें तो बढ़ी रही हैं जहाँ पर 5 समन पेश किए दिए जाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। वहीं इस पूरे मामले में, शराब नीति मामले में, ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया जहां पर कल बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है क्योंकि ईडी ने कोर्ट से ये मांग की है कि 5 बार अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में समन भेजा गया लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। तो कल इस पे कोर्ट की प्रक्रिया क्या होती है, क्या कुछ आदेश दिए जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होना है। वहीं एनडी गुप्ता, अरविंद केजरीवाल के निजी PA समेत कुल 12 ठिकानों पर छापेमारी है। दिल्ली जल बोर्ड के जो पूर्व मेंबर हैं उनके यहाँ पर भी, शलभ के यहाँ पर भी छापेमारी है। ये कुल 38 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला किया गया है, फर्जी दस्तावेज बनाए गए, यहाँ तक कि जो मीटर लगाए गए थे जिससे लोग अपना बिल भर सके वो भी जल बोर्ड तक नहीं पहुँचा था, उसमें भी कुछ धांधली की गई थी। उन्हीं मामले को लेकर ये पूरी छापेमारी इस वक्त ईडी की कुल 12 जगहों पर की जा रही है। कैमरामैन साइलेंस के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली।